मेरे लिए यह हार्दिक प्रसन्नता का क्षण है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुई और इस दौरान हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने भाग लेकर के आज समापन समारोह के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समारोह की ओर आगे ले जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों और केंद्रीय पुलिस बल से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए इन बलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पब्लिक परसेप्शन तय करने में हमारे पुलिस बल की एक बड़ी भूमिका होती है और जब भी हमारी फोर्स, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को बनाए रखने के लिए उन्हें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह उतने ही चुनौतीपूर्ण भी होता है, संवेदनशील भी होता है। एक तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ही आपराधिक गिरोहों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें उनके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि हमें हर हाल में एक कॉमन मैन के मन में विश्वास बनाए रखना है, शासन का विश्वास बनाए रखना है। तो दूसरी ओर एक कॉमन मैन भी अपनी सामान्य समस्या को लेकर के सबसे पहला वह किसी के पास आता है तो जहां पे सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के पास वो अपनी समस्या को लेकर के आता है, सुरक्षा से संबंधित मामले को लेकर के, अपराध से जुड़ी हुई किसी घटना को लेकर के, या फिर केंद्रीय पुलिस बलों के जवान जहां पर कार्य कर रहे हैं उनके पास जाकर के वह गुहार करता है। उस समय हमारा व्यवहार कैसे है, हमारा पब्लिक के साथ संवाद कैसा है, ये इस पे निर्भर करता है और उसके मन में एक नया विश्वास उसके माध्यम से पैदा होता है। मैं बार बार इस बारे में सोचता हूं कि हमें दोहरी भूमिका के साथ कार्य करना होता है, हमारे पुलिस बल को कार्य करना होता है। एक तरफ संवाद का रास्ता, कॉमन मैन के साथ संवाद बनाना, संबंधित स्टेक होल्डर के साथ संवाद बनाना, दूसरी तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए उसे परिणाम तक पहुंचाना। और उस समय उसके मन में एक ही भाव होता है कि हतो वा प्राप्स्ये स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। मुझे अपने नागरिकों को इस प्रकार का माहौल देना है, भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना बलिदान देना पड़े, इस दृष्टि से जब वह कार्य करता है
कि अगर बलिदान हुआ तो स्वर्ग का राज भोगूंगा, लेकिन अगर जीता तो एक कॉमन मैन के चेहरे की खुशी से उसको लगता है कि मैं ही इस राज को प्राप्त कर रहा हूं। ये बड़ी बात होती है, दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरे के दुख में दुखी होना। और इस भाव के साथ जब पुलिस के जवान कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह उस राज्य के या उस बल के परसेप्शन को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और यह मैंने पिछले 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अनुभव किया है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का गत चुनाव केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग चुनाव जीतने में सफल हो गए। कॉमन मैन के मन में एक विश्वास था कि सुरक्षा का माहौल है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। लोगों ने कहा नहीं, हमें ऐसा ही माहौल चाहिए। लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन हर व्यक्ति एक बात कहता था, देखो सुरक्षा सर्वोपरि है, हर व्यक्ति के सामने सुरक्षा और उससे बनने वाले परसेप्शन किस रूप में। हमने गत वर्ष अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस उत्तर प्रदेश राज्य में कोई निवेश करने के लिए पहले आना नहीं चाहता था, गत वर्ष हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए, 10 लाख करोड़ रुपए का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी देना। ये बेहतर कानून व्यवस्था और हर हाल में कानून का शासन हमें लागू करना है। जब इस संकल्प के साथ कार्य किया जाता है तो परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। पूरे देश भर में आपके अपने अपने अनुभव है और उन अनुभवों का लाभ किस रूप में हम लोग ले सकते हैं यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करना, हम लोग बार बार इस बारे में देखते हैं कि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है नेमिसारण्य। आज से हजारों वर्ष पहले भारत की ज्ञान की परंपरा के उस समय के ऋषियों ने उस समय अपने मंथन का केंद्र बनाया था। कई वर्षों तक वे लोग वहां एकत्र होकर के उन्होंने नेमिसारण्य में भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करने का काम किया था। यानी ज्ञान का आदान प्रदान का केंद्र लखनऊ के पास। पूरे देश भर से ऋषि मुनि जुड़े थे। कहते 88,000 ऋषियों ने बैठ करके चिंतन किया था। उस चिंतन के माध्यम से जो मंथन हुआ, उस मंथन के माध्यम से जो अमृत तत्व निकला था, वह भारत की वैदिक ज्ञान की समृद्ध परंपरा के साथ हम सबको जोड़ता है, जिसमें केवल इस लोक के नहीं, इस चराचर जगत के उन सभी रहस्यों के बारे में अमूल्य धरोहर से भरा पड़ा यह ज्ञान हमारे पास मौजूद है। यह ऑल इंडिया पुलिस मीट उसी धरोहर को आगे बढ़ाता है जिसको हमारी वैदिक परंपरा में कहा गया, आनो भद्रा कर्तवो यन्तु विश्वत। यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आएगा हमें उसके लिए द्वार खुले रखने पड़ेंगे। और आप सबके परस्पर अनुभव ये वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान वह नहीं होता जो पुस्तकों में लिखा होता है, वो हमें शिक्षित कर लेगा, तात्कालिक रूप से जानकारी दे देगा, लेकिन ज्ञान वह है जो फील्ड की ड्यूटी के दौरान आप अनुभव करते हैं। अपराध की बदलती हुई प्रकृति
अपराध के वर्तमान स्वरूप के अनुरूप किस प्रकार की हमें रणनीति तय करनी है, ये देश काल और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। लेकिन अपराध घटित हुआ है, अपराध उत्तर प्रदेश में हो या तमिलनाडु में, बंगाल में हो या महाराष्ट्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर होता है, उस अपराध को जानने, अपराध की प्रकृति के बारे में फिर रणनीति तैयार जब हम लोग करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। हम लोग देखते हैं साइबर ठगी के बहुत सारे मामले आते हैं हमारे पास, और यहां पे पुलिस के सामने चैलेंज होता है क्योंकि यहां का पीड़ित यहां का है, ठगी कहीं और से हो रही है। अगर यहां पुलिस कहेगी साहब इसका तो यूपी से कोई संबंध नहीं तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चैलेंज है, उस चैलेंज का सामना अवेयरनेस से भी हो सकता है, परस्पर समन्वय से भी हो सकता है, और इस प्रकार के तत्वों के साथ फिर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जब पूरी अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस एक साथ मिलकर के परस्पर समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं, अपराधी के मन में एक भय पैदा होता है, और उन स्थितियों के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम जनता के सामने जब रखते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को यहां पर हमें देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है और ऐसे तमाम समिट उत्तर प्रदेश में पूर्व में हो चुके हैं। जुलाई 19 में 62वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश की पुलिस को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, और नवंबर 21 में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने प्रतिभाग किया था। सशस्त्र सीमा बल द्वारा मार्च 23 में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन भी यही लखनऊ में आयोजित हुआ था। स्वाभाविक रूप से ये तमाम प्रकार के आयोजन उत्तर प्रदेश में पूर्व में हुए हैं, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देश के अंदर वर्तमान की चुनौतियों के ध्यान में रख करके और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख करके जब स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं तो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उन्होंने कुछ सूत्र जरूर बनाए हैं कि स्ट्रिक एंड सेंसिटिव पुलिस हमें चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा, अपराधी के लिए हम जीरो टॉलरेंस होंगे लेकिन एक कॉमन मैन के लिए उतने ही संवेदनशील भी होंगे। मॉडर्न एंड मोबाइल अलर्ट एंड अकाउंटेबल हमारी पुलिस फोर्स को होना पड़ेगा, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, टेक्नोसेवी एंड ट्रेन पुलिस फोर्स आज की आवश्यकता का हिस्सा है, और यह न केवल सिविल पुलिस को बल्कि केंद्रीय बलों को भी जब इस व्यवस्था के साथ जुड़ पाएंगे तो वर्तमान की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ने अपने इस पूरे आयोजन के दौरान इन सभी मुद्दों पर परस्पर अपने अनुभवों का लाभ एक दूसरे को प्रदान किया। इसमें बहुत सारी जानकारियां ली गई, अलग अलग क्षेत्रों के बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आए, और एक दूसरे को जाने सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ यहां पर हुई प्रतियोगिता भी आपस में बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करने में मदद की। प्रतिभागियों ने जिन्होंने यहां पे पुरस्कार प्राप्त किया है उन सबको मैं बधाई देता हूं। इस पूरे ड्यूटी मीट के साथ पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले आप सभी आगंतुक अतिथियों का मैं हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए
भविष्य के उन सभी कार्यक्रमों के साथ हम इसी उत्साह के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन की घोषणा करता हूं।